IPL 2024 के 55वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 173 रन बनाए थे, जवाब में मुंबई ने 17.2 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 174 रन बनाए और 7 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया। मुंबई इस जीत के साथ पॉइंट टेबल में 10वें में से 9वें पायदान पर पहुंच गई। अब टीम के खाते में 8 अंक हो गए हैं। इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पर बरकरार है। दरअसल मुंबई की इस जीत में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने अहम योगदान दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 143 रन की नाबाद साझेदारी हुई। IPL इतिहास में मुंबई के लिए यह चौथे या उससे कम विकेट के लिए होने वाली सबसे बड़ी साझेदारी है। इसके अलावा वानखेड़े स्टेडियम में खेले इस मुकाबले में हैदराबाद के गेंदबाजों को संघर्ष करते देखा गया। मुंबई के बल्लेबाजों ने उनकी जमकर पिटाई की। इसके अलावा सूर्य कुमार ने इस मुकाबले में 51 गेंदों का सामना किया और 102 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और 6 छक्के निकले। मजेदार बात यह है कि इस मैच में सूर्य का स्ट्राइक रेट 200 का रहा। इसी के साथ 360 डिग्री बल्लेबाज कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव मुंबई के लिए 2 शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले रोहित शर्मा ने यह कारनामा किया था, लेकिन अब सूर्य ने रोहित की बराबरी कर ली है। इसके अलावा मुंबई के विस्फोटक बल्लेबाज ने अपने T20 करियर का 6ठा शतक लगाया। वह सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में 5वें बल्लेबाज हैं। इस मामले में विराट कोहली टॉप पर हैं और उनके नाम 9 शतक दर्ज हैं। वहीं रोहित शर्मा 8 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट की ऐसी शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।